assalamu alaikum very warm welcome to the course corporate law dear students the course corporate law is a unique course within itself the course focuses as to how shareholders directors creditors and employees of a company interact with one another in corporate legal environment dear students you would be delighted to know that the course stands at the top of the courses of MB program as it makes us enlightened about the laws that regulate corporatization phenomena in Pakistan. In this course, we will study the Companies Ordinance 1984, law relating Mudarba companies, law relating credit rating agencies, and stock exchange laws before we begin with the contents of the syllabus of corporate law it is of supreme importance that we should address the question what is law let's discuss what is law law ka sawal sabse pehla jo aapse kar rahun, wo hai what is law Dekhay, aapse jo sawal kiya hai uska sabse pehla जो वर्ड है वो है व्हाट। याद रखने की बात ये है कि अगर किसी सेंटेंस से पहले व्हाट, वेयर वैन हाउ हु, वाई अटैच हो जाए तो समझ जाइए कि ये फिलॉसफी स्टार्ट हो गई तो सवाल क्या था वट इज लॉ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लीगल फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं व्हाट इज लॉ का जो जवाब है वो उस वक्त तक आप नहीं दे सकते जब तक कि आप एक लफ्स फिलोसफी जो है इसका मीनिंग ना समझ लें फिलोसफी किसे कहते हैं मेरा आपसे सवाल है देखें फिलोसफी जो है ये आर्ट ऑफ रीजनिंग है रीजनिंग क्या होती है रीजनिंग वजूहात को तलाश करने का इलम है इसमें हम ट्रुथ को सीख करते हैं कि सच्चाई क्या है तो लीगल फिलोसफी जो है लीगल सच्चाइयों को ढूंढा जो जाता है वो एक सब्जेक्ट है जिसको हम ज्यूरिस प्रूडेंस कहते हैं लैटिन में लैटिनी जुबान में इस सब्जेक्ट को ज्यूरिस प्रूडेंशिया कहा जाता है अंग्रेजी में इसको ज्यूरिस प्रूडेंस कहते हैं ज्यूरिस प्रूडेंस जो है ये दो लफ्जों का मजमु है एक ज्यूरिस दूसरा प्रूडेंस ज्यूरिस मींस लॉ एंड प्रूडेंस मींस अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों लफ्जों को मिला के आप मीनिंग मफहम लें इसका तो पता चलेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है आइए देखते हैं कि ज्यूरिस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस डेफिनेशन इस लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं इस क्वेश्चन व्हाट इज लॉ को कैसे एड्रेस करते हैं ज्योरिस्ट्रूडेंट्स के बाहर जो होते हैं इन्हें हम ज्यूरिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं जी ज्यूरिस्ट कहते हैं जो पहला ज्योरिस्ट है जिसने सबसे ना ज्यादा नाम कमाया है उसका नाम है ऑस्टन ऑस्टन ऑस्टीनियंस डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या कहते हैं ऑस्टीनियंस डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑस्टन ने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन दी और जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है वो कहती है लॉ इज कमांड ऑफ दॉवरन ये तीन चार पांच लफ्जों में उसने डेफिनेशन दे दी है ये डेफिनेशन क्या होती है पढ़ा तो मैं आपको अब डेफिनेशन रहा हूं ना डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय ऑस्टन और इस डेफिनेशन को ऑस्टीनियंस डेफिनेशन ऑफ लॉ भी कहा जाता है तो डेफिनेशन का मीनिंग भी आप समझ लें क्योंकि हम फिलोसफिकली चीजों को समझ रहे हैं डेफिनेशन का मीनिंग होता है गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग बाई इट्स प्रॉपर्टीज कि किसी भी चीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बयान कर दिया जाता है डेफिनेशन बेसिकली बड़ा इख्तसार के साथ जो है किसी अल्फाज के मीनिंग्स को वाजे करती है आपने उर्दू में सुना होगा दरिया को कूजे में बंद करना कूजा क्या होता है एक प्याला होता है और दरिया बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत बड़ी बात को छोटे से लफ्जों में समोह देना इसको कहते हैं डेफिनेशन तो आइए पहली जो डेफिनेशन है ऑस्टिन ने जो दी है उसको डिस्कस करते हैं ऑस्टीनियन डेफिनेशन ऑफ लॉ में वो कहता है लॉ इज दी कमांड ऑफ दी सॉवरन अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो आपको इसमें कुछ लफ्ज जो है वो बड़ी टेक्निकल मिलेंगे अगर उन टेक्निकल वर्ड्स को आप नहीं समझेंगे तो जो ऑस्टन कहना चाह रहा है वो आप नहीं समझ सकते आइए डिस्कस करते हैं वो अल्फाज कौन से हैं जो बड़े टेक्निकल हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है इसमें जो पहला लफ्ज है वो है कमांड आप क्या समझते हैं कमांड होती क्या है लाजमी बात आप इस वक्त सोच रहे होंगे कि कमांड के मानी है ऑर्डर कमांड के मानी है ऑर्डर नहीं ऐसी बात नहीं है कमांड के मानी इससे कुछ ज्यादा है आइए मैं बताता हूं आपको कमांड मींस एन ऑर्डर गिवन बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू द पॉलिटिकल इन्फीरियर एंड इट्स वायोलेशन इज सर्व्ड विद पनिशमेंट देखें आपके जहन में ये था कि कमांड का मीनिंग है सिर्फ ऑर्डर नहीं दोबारा बता देता हूं कमांड इज एन ऑर्डर गिवन बाय द पोलिटिकल सुपीरियर टू द पोलिटिकल इन्फीरियर एंड इट्स वायोलेशन इज सर्वड विद पनिशमेंट तो कमैंड क्या हुई एक हुक्म हुआ ना हुक्म कमैंड एक हुक्म है और वो हुक्म आता कहां से है वो एक पोलिटिकल सुपीरियर देता है और वो देता किसको है वो हुक्म देता किसको है वो पोलिटिकल इन्फीरियर को देता है और साथ ये कहता है कि अगर इसकी खिलाफ वर्जी तुमने की तो तुम्हें सजा मिलेगी तो कमैंड इज एन ऑर्डर Given by the political superior to the political inferior, and its violation is served with punishment. The next technical word is sovereign. Sovereign, what is hai. Sovereign basically ruler, ko kaha jata hai. and there are two kinds of sovereign one is de facto, and the other one is de jure. डी फैक्टो क्या है और ये डी जोरे क्या है इसको समझने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता हो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ लाइफ ऑफ ए स्टेट है कि मुल्क में नज़म नजमो नस्क कैसे चलेगा कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा कैसे कोई प्रेजिडेंट बनेगा इलेक्शन कैसे होंगे इदारे कैसे चलेंगे अगर आप में से कोई इस मुल्क का सॉवरन बनना चाहता है तो वो सुबह उठकर ये ऐलान तो नहीं कर सकता कि मैं इस मुल्क का हुक्मरान हूं लाजमी बात है कि उसे कुछ कवायद जवाबत को फॉलो करना है और वो जो कवाद कवायद जवाबत हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के असूल कहा जाता है तो ऐसा रूलर जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बना है उसे हम डी जोरे सॉवरन कहते हैं और ऐसा रूलर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कवैद को छोड़कर क्वैद को वायलट करके बना है उसको हम डिफेक्टो सॉवरेन कहते हैं तो ये जो डेफिनेशन है लॉ इज द द कमांड ऑफ़ सॉवरेन, ये बेसिकली घूमती है सॉवरेन की कैपेसिटी के ऊपर कि लॉ जो है वो सॉवरेन का हुक्म है और अगर ना माना गया तो इसकी सजा मिलेगी इसके साथ आपको एक और डेफिनिशन के ऊपर लेके जाता हूं चले अभी एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं मैं वो तो ये है कि ये जॉन ऑस्टन जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसके बारे में भी कुछ आपको पता होना चाहिए कि जॉन ऑस्टन कौन था जॉन ऑस्टन एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है नाइनटीन्थ सेंचुरी का और इसने बड़े रिनाउंड बड़े फेमस आर्टिकल्स लिखे हैं ज्यूरिस्ट स्टूडेंट्स के ऊपर और इस ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन है उसमें प्रोफेसर रहे हैं और इनकी एक बुक है जो बड़ी ही रिनाउंडेमस है उसका नाम है द प्रोवेंस ऑफ ज्यूरिस्ट प्रूडेंस डिटर्मेंट तो ये जो डेफिनेशन है किसी आम बंदे की डेफिनेशन नहीं है ये बड़े रिनाउड ज्यूरिस्ट ने दी है तो याद रखिएगा लॉ इज दी कमांड ऑफ दॉवरन तो आपसे कोई भी सवाल करे वट इज लॉ तो फिर आपने ये नहीं कहना कि रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये तो आम आदमी बात करता है आप लॉ के स्टूडेंट हैं आपने ये कहना है लॉ इज द कमेंड ऑफ दॉवरन नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ लॉ इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ विथ स्टेट्स लॉ इज द राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ दी अदर मेंटेन्ड बाय मेंटेन्ड ऑर रादर इन्फोर्सड बाय लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी मैं इस डेफिनेशन को रिपीट करता हूं लॉ इज द राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर बैक्ड बाय लॉ एन्फोर्सिंग थॉरिटीज लेडीज एंड जेंटलमैन इस डेफिनेशन में भी आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे जब तक आप उनको नहीं समझते आप इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते डिस्कस करते हैं कि इस डेफिनेशन में टेक्निकल वर्ड्स कौन से हैं राइट right. पहला जो लफ्स आपको इसमें टेक्निकल मिलेगा वह है राइट right. राइट right क्या होता है मेरा आपसे सवाल है मुझे आप बताए राइट right क्या होता है राइट इज बेसिकली एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रादर गारंटेड बाय लॉ ऑफ द लैंड इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट है और उसको गारंटी कर रहा है लॉ ऑफ द लैंड तो फिर वो आपका राइट है इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूं देखें पार्किंग स्टैंड में बहुत सारी मोटरसाइकिल्स बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है आप बाहर जाते हैं पार्किंग स्टैंड पर और वहां जाकर आप कहते हैं कि ये जो बी एमडब्ल्यू है या जो, जो फरारी है या जो जैगर है ये मुझे बड़ी पसंद है ये आपका जो एक्सप्रेशन की ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है ये आपका इंटरेस्ट शो कर रही है इसका क्या मतलब ये है कि आप उसको गाड़ी को चाबी लगाए और लेके चले जाए क्या आपका राइट है नहीं ये आपका राइट right नहीं है ये सिर्फ इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट ये जो इंटरेस्ट है इट इज नॉट एट ऑल गारंटीड बाय लॉ ऑफ द लैंड सो देअर फोर इट इज सिंपली एन इंटरेस्ट नॉट योर राइट तो राइट right किसका हुआ भाई जिसकी गाड़ी है जिसके नाम है उसका भी तो इंटरेस्ट है ना उसमें और उसके उस इंटरेस्ट को जो लॉ है वो गारंटी करता है देयर फोर इंटरेस्ट उसका राइट right है तो डेफिनेशन पे दोबारा गौर कीजिएगा राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर बैक्ड बाय लॉ एन्फोर्सिंग अथॉरिटीज एक बात याद रखिएगा अगर किसी का कोई राइट right है अगर किसी का कोई राइट right है तो लाजमी बात है कि उस राइट right की वजह से किसी दूसरे के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है अब फर्ज कीजिए वो साहब जो है उन्होंने वो गाड़ी खरीदी है उनका इंटरेस्ट है वो चाब उसको गाड़ी को चाबी लगाए जहां मर्जी ले जाए राइट है अब आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है आपके ऊपर यह जिम्मेदारी आती है कि भाई उसके राइट को उसके राइट का एहतराम करो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई ऑब्लिगेशन आ गई याद रखिएगा जहां कहीं आपको राइट मिले उसके साथ ऑब्लीगेशन लाजमी मौजूद होगी ये हो ही नहीं सकता कि राइट तो है ऑब्लीगेशन नहीं है अगर कहीं लफ्ज ऑब्लिगेशन आपको मिल जाए तो समझ जाइए वहां पे राइट right लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ वो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर किसी के राइट right की वजह से है तो इसका मतलब कि राइट right और ऑब्लिगेशन दोनों लाजमो मलजूम हैं तो लॉ की डेफिनेशन में क्या कह रहा है अ राइट ऑफ वन एक का हक दूसरे की ऑब्लिगेशन और इस राइट right और ऑब्लीगेशन के खेल को लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है अगर कोई किसी के राइट right को वॉयलेट करता है दूसरे लफ्जों में वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता है तो देअर इज पोलिस कोर्ट ऑफ लॉ ताकि ये जो लॉ जो है इसकी सैंटिटी को बरकरार रखा जाए तो याद रखिएगा दूसरी जो डेफिनेशन है उसको हम सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ कहते हैं और ये अ राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर बैक्ड बाय लॉ एन्फोर्सिंग अथॉरिटी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज एरस्टोटल डेफिनेशन ऑफ लॉ एस्टोटल कहते हैं जी लॉ इज दी एक्सपीरियंस डेवेलपड बाय रीजन एंड रीजन टस्टड बाय एक्सपीरियंस डेयर स्टूडेंट्स काइंडली इसके ऊपर सोचिए डेलिब्रेशन कीजिए कि ये क्या कह रहा है ये बहुत गहराई की बात कर रहा है बड़े मुख्तसर अल्फाज में मैं दोबारा आपके सामने इस डेफिनेशन को बताता हूं लॉ इज दी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पर फोकस रखिएगा लॉ इज द एक्सपीरियंस डेवेलप्ड बाय रीजन एंड रीजन टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस मेरा आपसे सवाल है ये एक्सपीरियंस क्या होता है एक्सपीरियंस को अगर हम उर्दू में कहें तो यह तजर्बा होता है तजुबा हम किसे कहते हैं आप लफ्ज की सेंस पे लफ्ज की फोनेटिक्स पे गौर करें कि जब मैं लफ्ज बोलता हूं तजुबा तो आपको क्या महसूस होता है तजर्बा जब तजुबा का लफ्ज बोलेंगे तो लाजमी बात है ये चीज कन्वे होती है यह कोई आरामदे चीज नहीं है यह बहुत कोई तकलीफ दे मरहला है जिससे इंसान गुजरता है तो लॉ इज द एक्सपीरियंस लॉ जो है यह डेवेलप उन्होंने किया है तजर्बों से गुजर गुजर कर और तजुबों से जो इलम हासिल होता है वो बड़ा पायेदार फ्लॉलेस इलम होता है आइए इस डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं लॉ इज द एक्सपीरियंस लॉ एक तजुबा है डिवेलप हुआ है इसने तरक्की पाई है कैसे लॉ इज दीजन एंड रीजन वजह दर वजह इसका मतलब है कि विदाउट रीजनिंग लॉ को डेवेलप नहीं किया गया तो लॉ इज द एक्सपीरियंस लॉ तजुबा है और डेवेलप कैसे हुआ है वजह दर वजह और जब वजह दर वजह के बाद इसको डेवलप किया गया तो फिर दोबारा इसको एक्सपीरियंस की कसौटी के ऊपर लगा दिया गया इसकी आपको एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल मैं देता हूं देखें हमारे यहां मोटरवे है मोटरवे जब बनी तो वहां पे जो स्पीडिंग लिमिट थी वो 140 किलोमीटर पर आवर्स थी तो 140 फोर्टी किलोमीटर पर आवर्स का रूल बनाया लॉ बनाया और लोगों को कहा वहां पर ड्राइविंग करें लोगों ने वहां पे ड्राइविंग की और नतीजा क्या निकला कि पता चला कि जी सौ में से जो है दस, दस गाड़ियां जो हैं वो एक्सीडेंट हो जाती हैं 140 की स्पीड पे तो ये वजह आई ना लॉ क्या था 140 की स्पीड और वजह आई नहीं इस पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो लॉ को डेवलप किया किया कि 120 पे आप स्पीडिंग लिमिट को ले गए तो लॉ इज द एक्सपीरियंस डेवेलप्ड बाय रीजन एंड रीजन टेस्टेड बाय Experience. Let's begin with the other definition, which is classical definition of law. Classical definition of law Law is the dispassionate reason, and its content is the same as that of morality. Law is the dispassionate reason. Dis dispassionate ka kya batata hai? Ap kya hain? dispassionate फ्स क्या मायने कैरी करता है अगर डिसपैशनेट को समझना है तो पहले पैशन को समझ लें ये पैशन क्या चीज होती है देखिए शौक, शौक क्या होता है ये बेसिकली लॉजिक जो होती है यहां पे जीरो लेवल पे होती है और बंदे के इमोशंस जो हैं वो हंड्रेड परसेंट होते हैं तो लॉ के बारे में वो कह रहा है लॉ इज द डिसनेट रीजन लॉ जज्बाती वजुहत की बिना पर नहीं बनता जज्बाती टोन पर हरगज नहीं होता ये लॉजिक की टोन पर होता है ये मंतक की टोन पर होता है और इसके बाद कहता है लॉ इज द डिस्पैशनेट रीजन एंड इट्स कॉन्टेंट अब उसका जो कॉन्टेंट है उसकी जो बुनियादी चीज है वो बिल्कुल मॉरलिटी की तरह की है मॉरलिटी हम किसे कहते हैं इखलाकियात ये करो ये ना करो आई होप यू हैव अंडरस्टुड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वट इज लॉ वट इज लॉ जवाब मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन को डिस्कस करके दिया पहली डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वो ऑस्टीनियन डेफिनेशन ऑफ लॉ थी लॉ इज कमांड ऑफ दी सॉवरन लॉ इज दॉवरन उसके बाद जो डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की वो थी अ राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर बैक्ड बाय लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी थर्ड डेफिनेशन मैंने जो आपके साथ डिस्कस की वो एरस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ लॉ थी उसमें आरिस्टोटल कहता है लॉ इज द एक्सपीरियंस डेवलप्ड बाय रीजन एंड रीजन टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस फोर्थ डेफिनेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो है लॉ इज द डिस्पैशनेट रीजन एंड इट्स कंटेंट इज द सेम एज दैट ऑफ मोरालिटी देखें व्हाट इज लॉ का जवाब आपको मिल गया और हमने जवाब आपको जित दिया है वो फिलोसफिकली दिया है ये जितने लोग हैं जिनकी डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है ये ज्यूरिस्ट हैं ज्यूरिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था फिलोसोफर ऑफ लॉ होते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिसको एड्रेस करना बड़ी जरूरी है बड़ा जरूरी है वो ये है व्हाट व्हाई लॉज आर मेड मेरा आपसे सवाल व्हाई लॉज आर मेड लॉज क्यों बनाए जाते हैं भाई इनका क्या फवाद है आप सोचे इसके ऊपर मैं आपको इसका जवाब देता हूं देखिये लॉज आर मेड टू रेगुलेट ह्यूमन एक्शन लॉज बनाए जाते हैं ताकि इंसान जो है उसके अफआल को रेगुलेट किया जाए ये रेगुलेट करना क्या होता है बेसिकली लॉज जो है ये आपकी जो आजादी है टू डू एवरीथिंग जिस तरह आप चाहें आप कर लें उसको रेगुलेट करते हैं लॉ आपको बताते हैं कि नहीं आप जिस तरह चाह रहे हैं वैसे नहीं आप हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह ये काम करना है और लॉज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पब्लिक है जो पब्लिक एट लार्ज है उन सब के फायदे की बात हो ना कि किसी एक इंडिविजुअल शख्स को फायदा पहुंचे आइए आगे, आगे देखते हैं जो सेकंड इसमें आपको बात पता चलेगी कि लॉज हम क्यों बनाते हैं वो ये है कि लॉज आर सोशल मैकेनिज्म टू कंट्रोल ह्यूमन बीइंग सोशल मैकेनिज्म क्या है देखें आपको लॉ हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल सिग्नल्स हैं सिग्नल्स ट्रैफिक सिग्नल्स हैं और उसमें एक चौराहा है चौराहे के चारों तरफ सिग्नल्स लगे हुए हैं और सिग्नल्स में आपको पता है कि यह रेड ऑरेंज और ग्रीन कलर्स इस्तेमाल होते हैं जब ग्रीन लाइट ऑन होती है तो लोग जो है वो गुजर जाते हैं और जिस तरफ रेड लाइट ऑन होती है वहां के लोग जो है वो रुक जाते हैं ग्रीन पर ग्रीन जिनके लिए लाइट है वो लोग चले जाते हैं क्रॉस कर जाते हैं उस जगह को और जिनकी तरफ रेड लाइट है वो रुक जाते हैं आप मुझे ये बताएं क्या ये एहतराम का रिलेशनशिप नहीं है कि अगर मैं देखता हूं कि मेरे साइड की जो सिग्नल की लाइट है वो रेड हो गई है और आपके साइड की ग्रीन हो गई है तो मैं आपके एहतराम में रुक जाता हूं तो ये एक सोशल मैकेनिज्म है जिससे हम एक दूसरे के लिए देख दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं बेसिकली लॉज जो हैं ये हार्मनी लेके आते हैं तर्तीब लेके आते हैं और अगर लॉज ना हो तो कॉटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है ना इकोनोमी चल सकती है ना पॉलिटिकल एक्टिविटी हो सकती है अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं है लॉज बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होती है एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है प्रैक्टिकल मैनेजमेंट और जस्टिस से मुराद है कि जिस जो जिसका है उस बंदे को मिल जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से आप प्रैक्टिकली मैनेज करते हैं कि भाई जो जिसका राइट right लीगली जिसका राइट right बनता है उसको उसका हक मिल जाए पुराने जमानों में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये ऐसे नहीं थी जैसे अब है पुराने जमानों में अगर किसी ने किसी के साथ कोई गलत काम किया है रॉन्ग किया है तो वो लोग खुद उसका बदला लेते थे अकेले लोग खुद बदला लेते थे या अपने दोस्तों को साथ लेते थे या अपनी फैमिलीज को साथ लेते थे उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो उन लोगों के हाथों में चलेगी जो इन्फ्लुंशियल होते थे वो लोग बदला लेते थे उसके बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है इंसाफ फ्राहमी का काम ये किंग जो होता था उसके हाथ में चला जाता था आज मौजूदा दौर में मॉडर्न डेज में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इस वक्त स्टेट का काम है स्टेट लॉज बनाती है स्टेट उनको इम्प्लीमेंट करवाती है और कोर्ट्स आर देयर टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होती है मॉडर्न स्टेट में देखें बात ये कि कोर्ट्स ने इंसाफ करना है कोर्ट्स इंसाफ कैसे करेंगी कोर्ट्स लॉज को फॉलो करते हुए इंसाफ करेंगी लॉ के मुताबिक जिसका कोई हक बनता है उसको कोर्ट्स वो हक दे देंगी ये रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस ये जो है ये एक कोटेशन है उसमें बड़ा खूबसूरती से समप किया गया मैं चाहता हूं कि आपके साथ उस कोटेशन को भी डिस्कस करूं जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ जस्ट एज अ स्कल्प्टर ट्राइज टू अचीव ब्यूटी विद इज मैलेट एंड चेस्ल सो लॉ इज द टूल ऑफ अ जज इन द परसूट ऑफ जस्टिस जस्टिस एक आइडियल है ये आइडियल क्या चीज होती है मेरा आपसे सवाल है इस कोटेशन में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ आइडियल जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ आइडियल बेसिकली इमेजिनेटिव स्टैंडर्ड्स हैं जो एक इंसानी इमेजिनेशन जो है वो सेट करती है जैसे सच सच एक आइडियल है हमेशा सच बोलो आप समझते हैं कि क्या आप हमेशा सच बोल बो, बोलेंगे ऐसे नहीं है कई दफा ऐसे होता है कि आपका सच जो है वो दूसरे के लिए जहरे कातिल साबित होता है तो ये इमेजिनेटिव स्टैंडर्ड्स हैं आइडियल आइडियल रहता ही नहीं है अगर ये प्रैक्टिकल practical, अचीव प्रैक्टिकली अचीवेबल हो आइए देखें इफ डेफिनेशन आगे क्या कहती है जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ डेफिनेशन कहती है कि इंसाफ एक आइडियल है जिस तरह के सच एक आइडियल है अब आगे वो थोड़ा सा एग्जाम्पल देता है कहता, कहते जस्ट एज अस्कल्प्टर स्कल्प्टर क्या होता है स्कल्प्टर बेसिकली एक संगतराश है एक मुजस्मा साज है जो एक पत्थर में खूबसूरती अपने फन के जरिए से पैदा करता है आइए देखिए कहता है जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ जस्ट एज अ स्कल्प्टर ट्राइज टू अचीव ब्यूटी विद इज मैलेट एंड चिस्ल अब स्कल्प्टर उस पत्थर में खूबसूरती पैदा कैसे कर रहा है उसके पास दो टूल्स हैं एक वुडन हैमर है और एक चिसल है शेप्ड ये लोहे की एक बार होती है जो शेप्ड होती है जिसके साथ वो उसमें खूबसूरती पैदा करता है तो लॉ जो है ये टूल है जिस तरह स्कल्प्टर का टूल वुडन हैमर और चिस्ल है ये किसका टूल है ये जज का टूल है तो जज लॉ का इस्तेमाल करते हुए इंसाफ प्रोड्यूस करता है मैं रिपीट करता हूं जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ जस्ट एज अ स्कल्प्टर ट्राइज टू अचीव ब्यूटी विथ हिस्स मैलेट एंड चिस्ल सो लॉ इज द टूल ऑफ ए जज

सांस लेना ये हमारी नेचर है जैसे हम जितना भी झूठ बोल रहे हो हमारे अंदर से एक आवाज गूंजती है कि ये गलत है ये नेचुरल जस्टिस है जो हमारे अंदर से आवाज देता है एक और आपको बात बताऊं देखें फर्ज कीजिए आप के ऊपर एक इल्जाम कुछ शख्स लगा देता है कि आपने चोरी की है और अदालत आपको सुने बगैर पनिशमेंट अनाउंस कर देती है कि इस बंदे को जेल में कैद कर दिया जाए तो क्या आप बताएं ये बात ठीक है नहीं भाई ये बात ठीक नहीं है भाई जिसके ऊपर इल्जाम लगा है पहले उससे तो पूछ लें कि क्या उसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है तो ये नेचुरल जस्टिस है ये नेचुरल तरीकाकार है कि लोगों से उनको उनको पूछा जाए कि भाई ये जुर्म आपने किया है या नहीं किया है तो तो ये नेचुरल तो जस्टिस हुआ दूसरी जो काइंड है वो लीगल जस्टिस की है देखें भाई लीगल क्या चीज होती है परमिटेड बाय लॉ लीगल का मीनिंग बना परमिटेड बाय लॉ ये परमिटेड का जब लफ्ज आ गया तो इसका मतलब हुआ कि को कोई परमिशन देने वाला है तो परमिशन देने वाला कौन है भाई वो तो लॉ ऑफ द लैंड को जो बनाने वाले हैं जैसे हमारे यहां जो लॉ बनाती है फेडरल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूट uh, उसका नाम है पार्लियामेंट पार्लियामेंट में कौन लोग हैं देखिये पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली है सेनेट है और प्रेसिडेंट है ये तीनों मिलके लॉ बनाते हैं तो वो लॉज जो स्टेट की गवर्नमेंट के लॉज हैं उनके मुताबिक किसी को जब इंसाफ फ्राहम किया जाता है तो उसे कहते हैं लीगल जस्टिस राइट जी लीगल जस्टिस जो है ये दो किस्मों का है एक प्राइवेट जस्टिस दूसरा जस्टिस प्राइवेट का जो में इस्तेमाल हुआ इसका मतलब यह हुआ कि दो इंडिविजुअल्स के दरमियान कोई इश्यूज हैं, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है जैसे मैंने फर्ज कीजिए आपसे चार लाख रुपया लेना है आप पैसे नहीं दे रहे मुझे मैं कोर्ट के अगेंस्ट चला जाता हूं तो आई एम सीकिंग प्राइवेट जस्टिस कि मेरे पैसे इसके पास है मुझे इससे दिलवाए जाए यह प्राइवेट जस्टिस है पब्लिक जस्टिस क्या कि एक रोड नहीं बन रही और हम उसके खिलाफ कंप्लेन्ट कर देते हैं रोड बनाने वाली अथॉरिटी के अगेंस्ट तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि नहीं ये रोड बनाओ तो ये पब्लिक जस्टिस हुआ राइट right जी ये जो पब्लिक जस्टिस है इसकी भी फर्दर कुछ काइंड्स हैं जिसमें सिविल जस्टिस है और इसमें क्रिमिनल जस्टिस है देखें बात ये है कि सोसाइटी हम किसे कहते हैं स्टेट हम किसे कहते हैं स्टेट बेसिकली कॉन्ग्लीगेशन ऑफ फैमिलीज है लोग यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं एक टेरिटरी बना ली जाती है और वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए जाते हैं क्यों वो इस वास्ते ताकि पीस एंड हार्मनी क्रिएट हो और ऑब्जेक्टिव क्या है फैमिली लाइफ प्रोटेक्शन और एंटरटेनमेंट और इलम का हसूल तो ये सोसाइटी जब बनती है तो सोसाइटी में जो लॉज हम बना देते हैं तो लॉज में जो रोंगज हैं उनको दो तरह की काइंड में हम डिवाइड कर देते हैं एक वो रोंग हैं जो बिल्कुल ट्राइवियल नेचर है मामूली नेचर के हैं जो ज्यादा मोहलक नहीं है और एक वो रोंग हैं जो बहुत मोहलक हैं फर्ज कीजिए मैंने आपसे चार लाख रुपया लेना है ये कोई इतना खतरनाक रोंग नहीं है अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं अगर एक शख्स दूसरे शख्स को कतल कर देता है तो आप देखें चार लाख वाला रॉंग जो है रेलेटिवली बहुत मामूली नौत का रॉंग है तो सोसाइटी इस रॉंग्स की रॉंग्स को डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में एक क्रिमिनल रॉंग्स हैं एक सिविल रॉंग्स हैं सिविल रॉंग्स जो है ये मामूली नेचर के हैं और पब्लिक रॉंग्स जो हैं ये बहुत मोहल्लक नेचर के हैं तो जो लिटल वैल्यू और जो ट्राइवियल नेचर ऑफ रॉंग्स हैं उनको सिविल में डाल दिया जाता है और जो सीरियस नेचर्स के हैं उनको क्रिमिनल में डाल दिया जाता है यू वुड बी डिलाईटेड टू नो कि अगर सिविल रॉंग किसी के साथ हुआ है तो जो इंडिविजुअल जो एग्रीव्ड है एग्रीव्ड किसे हम कहते हैं जो सितमजदा है वो कोर्ट में जाता है और जाकर प्लेट फाइल करता है सूट फाइल करता है और फिर उस प्लेट का जवाब डिफेंडेंट देता है इसमें कोर्ट इन्वॉल्व होती है कोई पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती इसके बरकस जब आप क्रिमिनल में देखते हैं तो वहां पर जो है वो पुलिस उसमें इन्वॉल्व हो जाती है प्रोसिक्यूटर्स जो है सरकार के इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप एक और यू वुड बी डिलाईटेड टू नो कि सिविल केस का जो टाइटल बनता है वो मैन वर्सेज मैन एग्जाम्पल बशीर वर्सिज नजीर और क्रिमिनल केस का जो टाइटल बनता है वह सरकार बनाम बशीर बनता है इसका मतलब है जो क्रिमिनल रॉन्ग है उनको सरकार जो है उनको जो स्टेट है वो प्रोसिक्यूट करके आ, उस, उस, जो रोंग करने वाला है उसको सजा के कटहरे में लेके जाते हैं अभी हमने काइंड ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा है। मैं चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें इन डिटेल्ड मैनर सिविल जस्टिस और क्रिमिनल जस्टिस को पहली जो हैडिंग डिफरेंशिएट करने के लिए जो हम मैं एलोकेट कर रहा हूं वो है नेचर ऑफ रॉंग सिविल जो रॉंग है उसकी नेचर क्या है और जो क्रिमिनल रॉंग है उसकी नेचर क्या है सिविल रॉंग जो है ये इनवाइट करता है डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस फॉर प्राइवेट रॉंग और इसमें वन मैन वर्सेस वन और वन मैन वर्सेस टू और वन मैन वर्सेस अ ग्रुप लिटिगेशन होती है कोर्ट ऑफ लॉ में सिविल रॉंग को प्राइवेट रॉंग हम कहते हैं ऐसे के बरकस जो क्रिमिनल रॉंग है उसकी नेचर जो है वो पब्लिक रॉंग कंसिडर होती है अगर एक शख्स ने चोरी की है तो वो ऐसे ही कंसिडर की जाती है कि पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट उसने चोरी की है ये नेचर ऑफ रॉंग के हवाले से डिफरेंस है बिटवीन सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस पर्पस सिविल जस्टिस का क्या है और पर्पस क्रिमिनल जस्टिस का क्या है सिविल जस्टिस का पर्पस कॉम्पनसेशन है पनिशमेंट नहीं है याद रखना है आपने सिविल जस्टिस का पर्पस कॉम्पनसेशन और क्रिमिनल जस्टिस का पर्पस पनिशमेंट ये कॉम्पनसेशन क्या होती है कॉम्पनसेशन बेसिकली ये होती है के इसको आप समझते एक समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक गाड़ी खरीदनी थी दो लाख रुपए उसकी प्राइस तय हुई और एक खास डेट को मैंने आपको वो गाड़ी डिलीवर करना थी मैंने उस खास डेट पे वो गाड़ी आपको डिलीवर नहीं की दो लाख रुपए आपने मुझे नहीं दिए। आपको गाड़ी बहुत जरूरी चाहिए थी आप वो डिप्लॉय करते थे कहीं आप हायरिंग इसको किराए पे चलाते थे गाड़ी को तो आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इन्होंने ये गाड़ी मुझे इस वक्त पर नहीं दी अब कोर्ट क्या मुझे सजा देगी पनिश करेगी इन्फ्लिक्ट करेगी पेनलाइज करेगी नहीं नॉट एट ऑल कोर्ट मुझे कहेगी कि इन इंसाब को उसी पोजिशन में ले आओ जिसमें ये होते अगर ये कॉन्ट्रेक्ट परफॉर्म हो चुका होता तो दो लाख रुपया उन्होंने मुझे देना था और मैंने गाड़ी उन्हें देनी थी और उन्होंने गाड़ी डिप्लॉय करनी थी कहीं किराया पे चलानी थी तो कोर्ट कहेगी कि इनको दो लाख बीस हजार रुपया दे दें कि ये बीस हजार रुपए उससे कमा चुके होते तो इसका मतलब है उस शख्स को उसी पोजीशन में लाना मकसूद है जिसमें वो होता अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका होता तो मुझे पनिश नहीं किया गया मुझे सिर्फ यह कहा गया कि इस शख्स को उसी जगह पे रिस्टोर कर दो जहां पे ये होता अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका होता क्रिमिनल जस्टिस का परपज कॉम्पनसेट करना नहीं है पनिश करना है पीनलाइज करना है फॉर एग्जांपल एक शख्स है उसने किसी के घर में चोरी की है सामान तो उसने दो लाख का चुराया जुर्माना उसको छह लाख का कर दिया और साथ तीन साल की सजा दे दी तो आप देखें इसमें कॉम्पनसेशन नहीं है इसमें तो इन्फ्लिक्शन है इसमें तो सजा है इसमें तो उसको एक एग्जाम्पल बना दिया गया है दूसरों के लिए कि भाई चोरी ना करना बहुत सख्त सजा मिलेगी तो ये तो था पर्पज ऑफ सिविल जस्टिस और पर्पज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेड है वो है प्रोसीजर देखने वाली बात यह है कि कौन सा प्रोसीजर है जो सिविल में इस्तेमाल होता है और कौन सा प्रोसीजर है जो क्रिमिनल में इस्तेमाल होता है सिविल में सिविल प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है यह प्रोसीजर क्या होता है देखें प्रोसीजर उसी वक्त समझ आएगा जब आपको सब्सटेंटिव लॉ के मुतक कुछ मैं बता दू देखे बात यह है सब्सटेंटिव लॉ ये कहता है कि अगर किसी शख्स को कत्ल किया गया है तो कातिल को जो सजा होगी वो उम्र कैद या सजाए मौत होगी ये बता दिया गया लॉ में कि ये सजा है इसको कहते हैं सबस्टेंटिव लॉ ठोस बात बता दी गई कि अगर ये जुर्म है तो ये सजा है अब सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स ने कत्ल किया है उसको इस सजा तक कैसे लिया लेके जाया जाए वो रास्ता वो कवायद जवाबत जिसके तहत उसको आप सजा सजाए मौत तक या उम्र कैद तक लेके जाते हैं उसे हम प्रोसीज़र कहते हैं तो सिविल मैटर्स में प्रोसीज़र फर्क है और क्रिमिनल मैटर में क्रिम, प्रोसीज़र फर्क होता है नेचर ऑफ कोर्ट कि किस कोर्ट में सिविल केसेस जाएंगे और किस कोर्ट में क्रिमिनल केसेस जाएंगे नेचुरली सिविल कोर्ट सिविल मैटर्स को हैंडल करेंगे और क्रिमिनल कोर्ट्स क्रिमिनल मैटर्स को हैंडल करेंगे ये जो रॉंग्स हैं सिविल और क्रिमिनल में ये सिविल जो रॉंग होता है ये रिलेटिवली कम रिलेटिवली लेस लीथल होता है सोसाइटी के लिए और क्रिमिनल रोंग रेलेटिवली हाई लीथल फॉर सोसाइटी है स्टाइल ऑफ टाइटलिंग के मुतालिक भी आपको कुछ जानना है देखें सिविल मुकदमा आप करेंगे तो क्या लिखा जाएगा अदालत में बशीर बनाम नजीर अंग्रेजी में हम कहेंगे बशीर वर्सेस नजीर क्रिमिनल में क्या होगा स्टेट वर्सेस नजीर उर्दू में कहते हैं सरकार बनाम नजीर वेद दिस वी आर फिनिश विद द डिफरेंस बिटवीन सिविल जस्टिस एंड क्रिमिनल जस्टिस मेरा आपसे सवाल ये है कि हु मेक्स लॉज कुछ सोचिए और मुझे बताइए कि लॉज कौन बनाता है क्या आप सुबह उठकर ये ऐलान कर सकते हैं कि ये लॉज मैंने बना दिए हैं और तमाम लोग जो है वो इनको फॉलो करें ऐसा बिल्कुल नहीं है इंडिविजुअल स्टैंड नो वेयर आप एक स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड है जो ये बताती है कि लॉज कैसे बनते हैं हमारे यहां लॉज मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बनते हैं सबसे जो इस वक्त सुप्रीम लेवल ऑफ लॉ मेकिंग है वो फेडरल लैजिस्लेचर करती है हमारी फेडरल लेजिस्लेचर जो है इसके तीन ऑर्गन्स हैं, जिसमें जो पहला ऑर्गन है वो नेशनल असेंबली है और दूसरा इसमें सेनेट है और तीसरा प्रेसिडेंट है ये तीनों मिलकर लॉ मेकिंग करते हैं एक और चीज अर्ज करूं देखें लॉज बनाने से पहले इनके ऊपर बहुत डेलिब्रेशन होती है बहुत सोच बचार होती है तो कहा जाता है कि लॉज आर मेड बाय सुपर ह्यूमन विजडम प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो लेजिस्लेशन होती है वो प्रोविंशियल असेंबलीज करती हैं और लोकल लेवल के ऊपर जो कानून साजी होती है वो लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं यहां पर मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शेयर करूं जिसको मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम लॉ कहता हूं देखें कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीम लॉ क्या है एक लैटन फ्रेज है जिसको कहते हैं

लॉ इज देलफेयर ऑफ द पीपल इसको इसको दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ इसकी बड़ी ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है आप ये देखें कि हमारे यहां लोगों की इंडिविजुअल लैंडस होती हैं और बात औकात वहां पर कुछ कोई इदारा बनाना होता है कोई रोड बनानी होती है कोई एयरपोर्ट की एक्सटेंशन होती है तो उन लोगों से जमीन एक्वायर कर ली जाती है वो क्यों एक्वायर की जाती है क्योंकि जो पब्लिक कैट लार्ज है उसका उसमें फायदा होता है तो कहा जाता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ तो वेलफेयर ऑफ द पीपल की वजह से वो इंडिविजुअल लोगों से वो जगह ले ली जाती है राइट इसके आगे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कौन सा लॉ जो है जिसको हम कहते हैं कि ये लॉ बड़ा इफेक्टिव लॉ है कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक लॉ में होने चाहिए ताकि वो एक गुड लॉ कहलाए तो याद रखिएगा गुड लॉ इज इक्वल टू ऑर्डर प्लस फियर ऑफ पनिशमेंट अगर एक हुक्म है और उसके साथ फियर ऑफ पनिशमेंट अटैच्ड नहीं है तो ये गुड लॉ नहीं है ये एक और आपके साथ कोटेशन मैं शेयर करना चाहता हूं कहते हैं द लॉ इज कमांड इशूड बाय द अनकमांडेड कमांडर ये पुराने जमानों की बात है आज ऐसी बात नहीं है इंडिविजुअल कमांडर को कोई नहीं मानता यहां पर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही लेजिस्लेशन करती है और एक और चीज हम लॉज को ओबे क्यों करते हैं यू वुड बी डिलाइटेड टू नो कि हम आदतन लॉज को ओबे करते हैं हमें आदत हो चुकी है अदरवाइज इंसान लॉज को ओबे नहीं करने वाला इसको आदत डाली जाती है कि ये लॉज को ओबे करे ताकि दूसरे जो हैं वो अमन और सुकून में रह सकें हमने अभी ये देखा है कि वट इज लॉ का जवाब क्या है कौन लॉ बनाता है सिविल जस्टिस क्या है क्रिमिनल जस्टिस क्या है अभी कुछ इन डिटेल्ड मैनर हमें जानना चाहिए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ ताकि हम एक कंपैरेटिव कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें और हमें पता चल सके कि लॉ कितना इफेक्टिव है एक अच्छी सोसाइटी को चलाने के लिए आइए डिस्कस करते हैं एडवांटेजेज ऑफ लॉ जो पहला एडवांटेज है वो है यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टनिटी यूनिफॉर्मिटी क्या चीज होती है यूनिफॉर्म से मुराद है कि हर जगह एक ही तरह की मैनिफेस्टेशन एक ही तरह की प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल अगर कुछ सिग्नल्स के लॉज लाहौर में हैं, तो वही सिग्नल्स के लॉज जो है वो गुजरा में है और वही सिग्नल्स के लॉज जो हैं वो इस्लामाबाद में है तो देखें लॉज जो हैं वो हर जगह पे एक ही तरह की हैं तो लॉ पहली चीज जो लेकर आता है वो यूनिफॉर्मिटी लेके आता है और इसके साथ जो एक लव्स है सर्टेनिटी वो भी अटैच कर लें ये लॉ जो होता है ये सर्टेनिटी लेके आता है एवरीबडी इज श्योर कि ये ही लॉ है कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये नहीं है ये है तो पहला एडवांटेज क्या हुआ यू लॉ ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टर्निटी जो दूसरा इसका एडवांटेज है वह है इक्वैलिटी एंड इम्पार्शियलिटी इक्वलिटी से क्या मुराद हुई इक्वलिटी से मुराद है इवननेस इक्वल ट्रीटमेंट के कोर्ट के सामने बशीर आ जाए नजीर आ जाए बकर आ जाए या कोई अहदेदार सरकारी आ जाए या एक आम आदमी आ जाए सबको लॉ जो है वो इक्वली ट्रीट करता है किसी को प्रिविलेज नहीं देता किसी को किसी पे एज नहीं देता और इम्पार्शियलिटी क्या चीज होती है इम्पार्शियलिटी होती, ये होती है कि लॉ किसी को फेवर नहीं करता कि भाई ये जो है इसको फेवर कर देते हैं इसकी आम बंदे को सजा तीन साल तो इसको एक साल ऐसी बात नहीं है लॉ जो होता है वो इम्पार्शियलिटी को मेनटेन करता है तो पहला एडवांटेज जो था वो यूनिफॉर्मिटी और सर्टेनिटी है और जो दूसरा एडवांटेज है वो इक्वालिटी एंड इम्पार्शियरिटी तीसरा एडवांटेज क्या है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स एरर्स क्या होते हैं एरर्स कहते हैं गलतियां कि ये ऐसे होना चाहिए था ये हो वैसे गया इसको कहते हैं एरर एरर हो गया यानी स्टैंडर्ड से हट हटके जब आप बात करते हैं तो लॉ इट इज स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड जो है वो एरर्स को एंटरटेन नहीं करता तो लॉ जो है वो जब भी इंप्लीमेंट होता है उसमें एरर्स की का बहुत कम गुंजाइश होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम एरर्स भी आपको मैंने बता दिया अब आए आप डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ जहां पे एडवांटेजेस हैं वहां पे लॉ के डिसएडवांटेजेस भी हैं पहली बात रिजिडिटी 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 से क्या मुराद आप लेते हैं रेजिडिटी रिजिडिटी से मुराद ये है कि जो रूल है हर हाल में वो लगेगा कोई एक्सेप्शन नहीं है अब इसकी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं एक शख्स ने एक रोटी चोरी कर ली वो शख्स पैसे वाला था उसने शौक में चुरा ली लॉ उसके ऊपर लग गया लॉ ने उसको सजा दे दी अब एक शख्स है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसने अगर एक रोटी चुरा ली है तो दोनों को सजा एक तरह की क्या होनी चाहिए तो यह इस लॉ की रिजिडिटी है कि यह नहीं देखता कि उसके हालात क्या है तो ये बहुत बड़ा डिसडवाटेज है कि ये गरीब और अमीर जरूरतमंद और गैर जरूरतमंद पर सब पर फिक्सड तरीके से लागू हो जाता है कंजरवेटिज्म बहुत है ये बहुत कदामत पसंद है कि आज से अगर 10 साल पहले जो लॉ बनाया था वो आज से 10 साल बाद भी वैसा ही है तो जो चेंजिंग नीड्स हैं, उसको भी ये एड्रेस बाद सूरत हाल में नहीं करता इसका जो नेक्स्ट डेफिनेशन सॉरी oh इसका एडवांटेज है वो फॉर्मलिज्म है फॉर्मलिज्म किसे कहते हैं कि ये बिल्कुल ऑफिशियली ऑपरेट होता है ये कोई सिंपलिसिटी को अडॉप्ट नहीं करता इसमें बहुत सारी जो फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये ट्रिकी बन जाता है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है आइए अब देखते हैं हमने एडवांटेज भी देख लिया हमने डिसएडवांटेजेस भी देख लिया दोनों में मेरा ख्याल तो ये है कि लॉ के एडवांटेजेस बहुत मजबूत हैं लॉ को फॉलो हर हाल में करना चाहिए लॉ अमन सुकून लेकर आता है अगर लॉ हंड्रेड परसेंट डिलीवर नहीं करता तो नाइन्टी परसेंट ये लाजमी डिलीवर करता है तो हर हाल में लॉस को माने और लॉस के मुताबिक जिंदगी गुजारे आज के सेशन में हमने जवाब दिया है कुछ सवालों का जिनमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं वो सवाल जो हैं उनके जवाब आपको मिल चुके हैं आप इनके ऊपर डेलीब्रेशन करें सोच बचार करें फिर भी कंक्लूजन में मैं आपसे दोबारा शेयर करना चाह रहा हूं कि देखें लॉ जो है ये कमांड ऑफ सॉवरन है लॉ जो है ये राइट ऑफ वन ऑब्लिगेशन ऑफ अदर बैक्ड बाय लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज है एरस्टोटल ने कहा है लॉ इज दी एक्सपीरियंस डेवलप्ड बाय रीजन एंड रीजन टेस्टेड बाय एक्सपीरियंस इसके अलावा हमने आपसे डिस्कस ये किया कि लॉ बनाता कौन है लॉ पर अमल दरामद करने का फायदा क्या है और लॉज फेडरल लेवल पे कैसे बनते हैं तो इस सेशन में तो हमने ये कुछ समझ लिया पढ़ लिया इनशाला नेक्स्ट सेशन में हम काइंड्स ऑफ लॉगो डिस्कस करेंगे